दोस्तों, आज हम आपको 32 इंच कॉम्बो कार्ड में एसटीआर लगाना सिखाएंगे। दोस्तों, ये एसटीआर 50 वाट की एलसीडी पर ही वर्क करेगा। इससे 50 वाट से ऊपर वाली एलसीडी पर हम दूसरा एसटीआर लगाएंगे, वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसके 12 वोल्ट भी नहीं आउट हो रहे और ड्राइवर की सप्लाई भी नहीं आउट हो रही एलईडी ड्राइव की। दोस्तों, अक्सर इस फॉल्ट में हमारी सप्लाई की ड्राइव वाली चिप 6 पिन वाली वो ओपन हो जाती है, जिसके कारण हमारी सप्लाई नहीं निकलती। दोस्तों, हम 6 पिन ड्राइव वाली चिप भी उतार देंगे और मॉसफेट भी इसका उतार देंगे। दोस्तों, अब इसके सबसे पहले 300 वोल्ट चेक कर लेने हैं, कलेक्टर पर आते हैं कि नहीं आते हैं। दोस्तों, हमने रेजिस्टेंस ले लेनी है 220 के हाफ वाट की। उसको हमने एक मेन फिल्टर के 300 वोल्ट पर और दूसरी पिन को एसएमपीएस की दूसरी वाइंडिंग देती है, जो 12 से 18 वोल्ट ड्राइव को सप्लाई देती है, उस पिन पर लगा देना है।
दोस्तों एक 100 के पीएफ लेना है और उसे ऑटो कपलर की दोनों पिन पर अटैच कर देना है, क्योंकि ऑटो कपलर की एक पिन ग्राउंड होती है और दूसरी पिन ड्राइव ड्राइव वाली चिप हो जाती है जो इसको रेगुलेट करती है। दोस्तों इस डैड की पॉजिटिव सिरे पर हमको सप्लाई मिलनी चाहिए 70 से 90 वोल्ट तक, लेकिन जहाँ 24 वोल्ट आ रहे हैं। अब हम जे वाली पिन जो भी आगे चिप को सरकट जा रहा था उसको कटिंग मार देंगे ताकि इसकी सप्लाई आगे ना जा सके, क्योंकि इस पिन पर कोई ना कोई पीएफ लीकेज होगा, इसीलिए जे वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हैं। दोस्तों अब हम इसकी फिर सप्लाई चेक करते हैं ड्राइव पर कितनी आ रही है, ड्राइव एसी से। दोस्तों ये 77 वोल्टेज हो गए। अब हमारी ड्राइव एसी ओके है, लेकिन जब भी एस्टेयर लगाना है इसको डिस्चार्ज करके ही लगाना है। दोस्तों एस्टेयर लगाने से पहले हम मेन फिल्टर और ड्राइव वाला 10 कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे, नहीं तो हमारा एसटीआर शॉर्ट हो सकता है। दोस्तों एसटीआर की एक नंबर पिन को हम ग्राउंड करेंगे जो मॉस्फेट की ग्राउंड होती है, और 2 नंबर वाली को वीसीसी देंगे 300 वोल्ट कलेक्टर, 3 नंबर वाली को हम 12 से 18 वोल्ट जो हमने ड्राइव निकाली थी जो 90 वोल्ट वाली नहीं थी, 80-90, क्योंकि ये लोड पड़कर 12 से 18 वोल्ट ही रह जाती है, और 4 नंबर पिन ऑटो कपलर हम ग्राउंड के साथ वाली पिन पर देंगे। दोस्तों मीटर से हम कपलर के ग्राउंड चेक कर लेंगे कौन सी है। इसकी पिन को आगे से हमने कट कर देना है ताकि जो इस पर जो भी पीएफ लगा होता है चिप को सीधा जाता है, उसका कनेक्शन कट हो जाए।
दोस्तों, ये हमारा एस टी आई लग चुका है। अब आपको हम सफाई चेक कराते हैं इसकी, आउट हुई कि नहीं हुई। दोस्तों तो इसके बारे में डाउट होगी और अब हम आपको एलईडी ड्राइवर की ड्राइव प्लाई दिखाते हैं। जो इसकी एलईडी ड्राइवर की सप्लाई भी ओके है, 55 वोल्ट।